हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन इन रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशनल एल्जेब्रा का ये हमारा वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कैसे इसके यूज से हम लोग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे कार्य को करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्शन क्या करता है। प्रोजेक्शन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई से, और एक करता है क्या, सिलेक्शन का काम करता है। मीन्स क्या क्या डेटा हमें सेलेक्ट करना है किसी भी टेबल से, पाई और उसका यहाँ एट्रीब्यूट हम लिखते हैं तो उस एट्रीब्यूट को टेबल से सेलेक्ट कर देता है। तो आज का हमारा वीडियो है सिलेक्शन, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या करता है, सेम एज वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। जैसे एसक्यूएल में हम लोग वेयर क्लॉज लिखते हैं, एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज लिखते हैं। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज कुछ नहीं करता है, हमारे डेटा को फिल्टर करता है, हमारे कॉलम को फिल्टर करता है कि कौन सा कॉलम हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। और सिंपल वर्ड में कहें तो एक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग कंडीशन देते हैं और पता चलता है कि हमें कौन कौन से कॉलम को फिल्टर आउट करना है। तो जैसे एसक्यूएल में वेयर क्लॉज काम करता है, सेम टू सेम वैसे ही रिलेशनल एल्जेब्रा में हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट काम करता है। क्या काम करता है, सिलेक्शन। और इसको रिलेशनल एल्जेब्रा में मुझे ऐसे डिनोट करना पड़ता है। ये हमारा क्या है, सिलेक्शन का सिंबल है। ये क्या है, सिलेक्शन का सिंबल। ऐसे में कहीं भी लिखूंगा रिलेशनल एल्जेब्रा में, इसका मतलब क्या है कि हम सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इट स्पेसिफाइज टपल टू बी डिस्प्लेड ऑन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है तो उसको ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। कौन, सिलेक्शन। कौन डिस्प्ले करता है, सिलेक्शन। तो मैं आपको यहाँ एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा और साथ ही साथ उसको कैसे हम लोग रिलेशनल एल्जेब्रा में डिनोट करते हैं सिलेक्शन और प्रोजेक्शन का यूज करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल दिया है, इस टेबल का नेम क्या है, इम्प्लॉय टेबल। टेबल का नाम क्या है, इम्प्लॉय। मैं मानता हूँ इसका नेम इम्प्लॉय है और इसमें बहुत सारा कॉलम है, बहुत सारे डिटेल, जैसे आईडी है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, बोनस है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। एक टेबल हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको एसक्यूएल में एक क्वेरी यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि सेलेक्ट करो नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई टेबल है इसमें से नेम को सेलेक्ट करना है, जहाँ सैलरी 50,000 से क्या है, ज़्यादा है। जहाँ जहाँ सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उस एम्प्लॉई का नेम सेलेक्ट करना है। तो कैसे होगा, यहाँ सैलरी चेक करेगा, सबसे पहले जाएगा वेयर क्लॉज में, पहले जाएगा फ्रॉम में, फिर वेयर में और फिर किस में, सेलेक्ट में। तो फ्रॉम में जाएगा एम्प्लॉई टेबल में, सब पहले इंटर कर लिया, फिर सैलरी चेक करेगा कि 50,000 ज़्यादा किसका है, तो 70,000, ये 50,000 ज़्यादा है, 90,000, 50,000 ज़्यादा है, 50,000। जो 50,000 है वो 50,000 से ज़्यादा है तो नहीं, क्यों, क्योंकि यार कोई भी नंबर अपने आप के बराबर है, अपने आप से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने आप के बराबर है। 60,000 क्या है, 50,000 से ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा, ये तीन नेम मेरे पास आ जाएगा, लोक इंडिया वाले, सुजल भारती और सुजल भारती, यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार दो बार सुजल भारती है तो दो बार आ जाएगा। क्यों दो बार आएगा, क्योंकि यार यहाँ मैंने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ डिस्टिंक्ट लगाऊंगा तो हमारा सिर्फ वही नेम आएगा जिसका डुप्लीकेट नहीं है, मतलब डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रोजेक्शन का यूज करके और सिलेक्शन का यूज करके कैसे लिखूंगा रिलेशनल एल्जेब्रा में। तो मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट के साथ जो जो भी कॉलम रहता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन के साथ लिखते हैं। जैसे प्रोजेक्शन क्या सिलेक्ट करना है, तो नेम सेलेक्ट करना है, तो मैं नीचे लिखूंगा नेम। सेलेक्ट में क्या करना है, नेम, तो प्रोजेक्शन के साथ मुझे नेम लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यार प्रोजेक्शन जो होता है सिलेक्शन का काम करता है रिलेशनल एल्जेब्रा में। मुझे नेम को सेलेक्ट करना है, किसमें से सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय टेबल में से। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, जिसका भी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसी को सेलेक्ट करो। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ सिलेक्शन ऑपरेटर और यहाँ मैं कंडीशन दे दूंगा, सैलरी ग्रेटर देन 50,000, किसमें से, तो एम्प्लॉय टेबल से, किसमें से, तो एम्प्लॉय टेबल से। इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले हमारा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, इनर, और फिर इसका आउटर और फिर सबका आउटर। तो सबसे पहले जाएगा एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में एंटर कर देगा, फिर जाएगा क्या, सैलरी चेक करेगा 50,000 ज़्यादा किसका है, जिसका 50,000 ज़्यादा है उसका नेम क्या कर देगा, लौटा देगा। लेकिन यहाँ हमने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, तो अब मुझे यहाँ डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा, तो ही एसक्यूएल और रिलेशनल जो एल्जेब्रा का क्वेरी है दोनों इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यार जो प्रोजेक्शन हमारा है बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट होता है, मीन्स डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर और इसमें नेम, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। लेकिन इसको हम लोग सिर्फ थ्योरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ डायग्राम के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए ही हमें एसक्यूएल का याद करना पड़ा। पहले हमारे पास सिर्फ रिलेशनल अलजेब्रा था, इसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारा एसक्यूएल है, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको और एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाऊंगा। तो देखो जैसे यहाँ लिखा है कन्वर्ट इन टू एसक्यूएल कमांड क्वेरी, ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में दिया गया, किसमें दिया है, रिलेशनल अलजेब्रा में। इसको हमें एसक्यूएल में लिखना है, इसको हमें किस में लिखना है, एसक्यूएल में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या है प्रोजेक्शन, ये क्या करता है सिलेक्शन का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सेलेक्ट नेम, इसका मतलब क्या हुआ सेलेक्ट, सिर्फ नेम नहीं डिस्टिंक्ट नेम, क्यों, क्योंकि अब जो प्रोजेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट होता है, तो मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, कहाँ से नेम को सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, तो मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम यहाँ फ्रॉम होगा फ्रॉम एम्प्लॉई, और फिर कंडीशन दिया है तो क्या हो जाएगा वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेरी हमारा हो गया एसक्यूएल में, एसक्यूएल में हम क्वेरी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा एक और एग्जाम्पल। यहाँ क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉई हुज सैलरी इज मोर देन 10,000 एंड वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 5। एक क्वेरी लिखना है जिसमें हम लोग को एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है जिसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और इसका डिपार्टमेंट नंबर 5 है। इसको हमें एसक्यूएल में भी लिखना है और इसी को हमें रिलेशनल एलजेब्रा में भी लिखना है। तो यहाँ आपको कंसेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि उसी क्वेरी को एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं और उसी क्वेरी को रिलेशनल एलजेब्रा में कैसे लिखते हैं। तो एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे, काफ़ी आसान है एसक्यूएल में लिखना। कैसे लिखेंगे, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू क्या 5। सेलेक्ट करो नेम कहाँ से, एम्प्लॉय से जहाँ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है और डिपार्टमेंट नंबर 5 है। ये रहा एसक्यूएल में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसको रिलेशनल एलजेब्रा में मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं आपको चीज़ बताऊंगा। सेलेक्ट नेम को मैं कैसे लिखता हूँ, प्रोजेक्शन के साथ नेम, प्रोजेक्शन नेम मुझे चाहिए, किसमें से चाहिए यार, हम मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल में से, तो मैं क्या लिखूंगा, और कंडीशन कहाँ लिखता हूँ, मैं कंडीशन लिखता हूँ सिलेक्शन के साथ। तो ये हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसके साथ हमें कंडीशन लिखना होता है। तो कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड, और एंड को क्या लिखते हैं इस तरह, इस तरह लिखा तो मतलब क्या है एंड है, एंड एंड डिपार्टमेंट नंबर मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ सारी में लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, डिपार्टमेंट नंबर दोनों बराबर है, इक्वल टू 5। किस में से चाहिए यार, मुझे एम्प्लॉय से चाहिए, मैं क्या लिखूँगा यहाँ एम्प्लॉय लिखूंगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ एम्प्लॉय लिखूंगा। तो क्या हुआ, रिलेशनल अलजेब्रा में मैं कैसे लिखता हूँ चीज़ों को, सेलेक्ट नेम, नेम मुझे सेलेक्ट करना है किस में से, एम्प्लॉय में से, और कंडीशन क्या है, सैलरी 10,000 ज़्यादा होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर 5 होना चाहिए। तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एम्प्लॉय, फिर एक कंडीशन, और फिर एक सबसे पहले इनर, फिर आउटर, और फिर सबसे आउटर, ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक और क्वेश्चन में देखूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक हमारे पास दिया है रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेरी दिया है, इसको मुझे एसक्यूएल में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन, लेकिन ये सिलेक्शन का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट, यहाँ दो कंडीशन है, यहाँ दो टेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा, दो टेबल नहीं सॉरी दो कॉलम है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा सैलरी, कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कंडीशन क्या है, वेयर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू क्या 20। ये जो नीचे से सिंबल है वी की तरफ, इसका मतलब और, जो इस तरह सिंबल ऊपर की तरफ, इसका मतलब है एंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है और, तो लिख दिया ये और है। तो समझ में आया कैसे इसको लिखते हैं,
आपको समझ में आ रहा है चीजें? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो ताकि आपके साथ उसका भी हेल्प हो सके। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, इसको जो रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा है इसको आपको लिखना है एसक्यूएल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कहाँ से, एम्प्लॉय से, फ्रॉम एम्प्लॉय उसके बाद कंडीशन वेयर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 एंड, देखो सैलरी जो है 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है और बराबर है, और 20,000 से कम है और बराबर है, मीन्स बिटवीन, तो सैलरी बिटवीन में क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000, और इतना मैं जैसे लिखूंगा तो हमारा सेम टू सेम यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि कैसे प्रोजेक्शन का काम करते हैं और सिलेक्शन क्या करता है। सिलेक्शन को हम लोग कंडीशन इसमें लिखते हैं, सिलेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, कंडीशन लिखते हैं सिलेक्शन में, क्या लिखते हैं हम लोग, कंडीशन लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 101, इसको रिलेशनल अलजेब्रा में मैं कैसे लिखूंगा, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार मीन्स मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है, डिस्टिंक्ट स्टार में लिखा हूँ मतलब मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है सब कुछ, लेकिन सबका डिस्टिंक्ट होना चाहिए मीन्स डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है जहाँ रोल नंबर इतना है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट सेलेक्शन रोल नंबर इक्वल टू 101, किस में से मुझे किस में से चाहिए, तो फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से चाहिए स्टूडेंट, मैं इतना लिख दूंगा, चूंकि मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन में डिस्टिंक्ट स्टार करना है मतलब सब कुछ करना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ प्रोजेक्शन यहाँ लिख सकता हूँ, और नहीं तो प्रोजेक्शन में हटा दूंगा, तो मैं डायरेक्ट इतना लिख दूंगा कंडीशन और इसका टेबल का नेम, तो इतना मैं लिख दूंगा तो भी सही है, और मैं प्रोजेक्शन यहाँ से हटा दूंगा और सिर्फ इतना लिख दूंगा, सिर्फ इतना तो भी सही है, मैं बता देता हूँ। देखो मैं सिर्फ अगर इतना लिख देता हूँ रोल इक्वल टू 101 कहाँ से, स्टूडेंट से, तो भी ये काम चल जाएगा, स्क्वेरी इतना हो गया, या फिर मैं मुझे सेलेक्ट भी करना है सेलेक्ट, लेकिन सब कुछ करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ प्रोजेक्शन लिख दूंगा तो भी हो जाएगा, इतना लिखूंगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा किसका लेक्चर, सिलेक्शन का, एक किसका लेक्चर है सिलेक्शन का, सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कंडीशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, और मैं तो कहूँगा यार जो DBMS का हमारा कोर्स है DBMS, इसको आप शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।